नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। पाकी मैम, आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल है? पहला विश किसने किया था? ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी माय फैमिली। मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है और हर एक के लिए उनकी फैमिली मैटर करती है, तो इट फील्स वेरी स्पेशल टू बी लव्ड एंड केयर्ड बाय योर फैमिली फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स। सो योर बेस्ट फ्रेंड्स कम इन द लिस्ट। सो सभी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके अराउंड 12 o'clock विश किया, फेल्ट वेरी नाइस एंड लव्ड एंड केयर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडस्ट्री में से जितने भी हमारे परिचित हैं उन्होंने सबने मुझे कॉल किया, विश किया। सो सुबह से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और चल रहे हैं। बहुत खुशी होती है दैट यू आर वांटेड एंड यू आर लव्ड। अब तक क्या स्पेशल गिफ्ट मिला आपको इस बर्थडे पर स्पेशल? आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ बट आई गॉट अ वेरी क्यूट गिफ्ट of a small pendant which was given by my family and it's like with her first earning she has given, so that is very special to me. Okay,
बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करती थी और अब जब इतनी बड़ी हो गई है तो कैसे सेलिब्रेट करती है? बचपन की कुछ अगर यादें अगर आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ। मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए याद नहीं है। मैं बहुत मीडियम क्लास फैमिली से रही हूँ तो बर्थडेज का इम्पोर्टेंस कभी उतना नहीं रहा है। चॉकलेट्स लिए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड बर्थडे ख़त्म हो गया, ये होता था। बट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है उतनी ही लोगों से आपका जुड़ाव जो एक स्पेशल रूप में बनता है वो ऑडियंस के थ्रू और लोगों के थ्रू भी पोर्ट्रे होता है। सो इट फील्स वेरी स्पेशल टू गेट लव्ड बाय एवरीवन। बर्थडे बम्स मिले हैं कभी? जी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ मिले, आप लोग कोशिश भी मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होने वाला है? एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस ऑन दिस स्पेशल डे? देयर आर सम गुड प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन। आल्सो आई हैव टेकन अप विथ सिंगिंग राइट नाउ, सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट, डूइंग माय शोज ऑल ओवर इंडिया, दैट विल बी ऑन कार्ड्स। प्लस देयर आर सम मूवीज व्हिच आर इन द पाइपलाइन व्हिच विल बी ऑन हिंदी प्रोजेक्ट नो। सो बहुत जल्दी कोई एक मूवी की खबर भी आ जाएगी आप सभी को, which will be a Hindi film, and it has got relationship of a girl who's a prostitute and what she has gone through, iske bare mein wo film hai, aur industry ke kafi acche jaane maane kalakaron mein se naam jude hue hain, so I'm really looking forward to this film. थैंक यू सो मच मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोगों ने साथ में शुरुआत की थी निरहुआ रिक्शावाला से और बहुत बड़ी बड़ी हिट थी। वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी इंसान है और हमारा तो बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा, हम दोनों ने बहुत सारी फिल्में साथ में की और बड़ी बड़ी हिट थी हैं, तो मेरे लिए वो कलाकार से ज़्यादा मेरी दोस्त है। मैं चाहूँगा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और आगे बढ़ती रहे। कैसी बॉन्डिंग रही है आप दोनों की? बहुत कमाल की, हमारी और बाकी की बॉन्डिंग ऐसी रही है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू। हम लोगों ने बहुत सारा सिनेमा साथ में किया, हमारी हम को एक्टर से ज़्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं, लगभग 15-20 साल से हम दोस्त हैं, तो उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। राखी जी इधर के यहाँ पे मैम का जन्मदिन है आज, क्या कहना चाहेंगे? या मैं पाखी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, जब मैं इंडस्ट्री में आई तब से मेरी फ्रेंड है और शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल लाइक मी, हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बट वो भोजपुरी की सुपरस्टार बनी है। शी हैज़ डन लॉट्स ऑफ फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में करी भोजपुरी में और आज उनका जन्मदिन है, हम तो बर्थडे विश करने के लिए आए। किस तरह की बॉन्डिंग रही है आपकी और पाखी की, क्योंकि आपने भी भोजपुरी सिनेमा किया, उन्होंने भी किया, किस तरह की बॉन्डिंग रही? मैंने तो भोजपुरी सिनेमा बनाया है, हमारे बॉलीवुड में यशराज बैनर है तो भोजपुरी में तो मेरा बैनर है, तो कट्टा तनल दुपट्टा रवि किशन और पवन सिंह को लेकर बनाया है, फिर होगी प्यार की जीत खेसारी लाल के साथ और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं मेरे प्रोडक्शन में तो, और मैंने काम भी किया है, अभी फ़िलहाल रवि के साथ भी गाना किया है। तो मैं बॉलीवुड टॉलीवुड लॉलीवुड चॉलीवुड सारे वुड में हम, मैं कौन सा वुड है जो रखे? हाँ सारे वुड में मैं काम करती हूँ, हॉलीवुड बाकी है। प्रियंका गई है ना तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, वो रॉक कर रही है प्रियंका, मैं वहाँ पे जाकर रॉक करूँगी, मेरी असली जगह वही है एक्चुअली। तो क्या इन फ्यूचर पाखी के साथ नजर आने वाली है आप या फिर उनको लेकर कोई फिल्म बनाने वाली है, अगर ऐसे कोई प्लानिंग है अगर शेयर करना? डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली मैं पाखी को लेकर फिल्म बनाऊँ, बिकॉज शी इज़ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मुझे लगता है कि राखी भारत रिलीज हो गई है, आपने देखी कैसी लगी आपको, सलमान के बारे में क्या कहना चाहिए? ओह माय गॉड, वाओ, भारत रिलीज हो गई है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, एक्चुअली टिकट नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ ईद के कारण, इतनी भीड़, मैंने कैसे कैसे ब्लैक तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती, बट मैंने टिकट ली वहाँ कैसे कैसे फ्रेंड्स के थ्रू, बिकॉज सारे शोज़ बुक हो चुके थे यार। अमेजिंग फिल्म, मुझे लगता है कि 200-250 करोड़ में बनी है, मुझे लगता है 1000 करोड़ तो ज़रूर कमाएगी। पब्लिक को पसंद नहीं आई है?
पब्लिक तो सी एच यू है, पब्लिक का क्या है, पब्लिक को तो कुछ भी पसंद नहीं आता। शाहरुख खान इतने अच्छा जीरो फिल्म बनाई, इतना अच्छा बेचारे पूरी फिल्म घुटने पे बनाई, तो नहीं 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 एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, इतना मेहनत करते हैं शाहरुख सलमान, सलमान ने तो देखो कितना बुढ़ापे का गेटअप किया, एंड फिर इतना अच्छा काम करते हैं हम लोग, इतना अच्छा काम करते हैं पूरा साल निकल जाता है फिल्म, और पब्लिक को पसंद नहीं आती, एक सेकंड में बोलते नहीं पसंद आई। अरे वो देखो तो सही हमारी मेहनत, तो देखो सलमान की शाहरुख की सबकी मेहनत। मेरे ख्याल से भारत फिल्म जो है बजरंगी भाई जान जैस उससे भी और बेटर है, और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो सलमान के खिलाफ जाते हैं, बढ़िया फिल्म सुपर हिट जाने वाले, सल्लू मियां अपन तुम्हारे साथ है। राकेश जी इसके अलावा वर्ल्ड कप चल रहा है, टीम इंडिया काफ़ी अच्छा कर रही है, क्या शुभकामनाएं होने वाली है आपकी तरफ से? देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेले ये लोग, तो अच्छा है। सिर्फ करण जौहर के शो में झके वो हार्दिक पांड्या जो पता नहीं क्या बकवास किया था, वैसे बकवास ना करें लड़कियों के बारे में, बस आप सिर्फ देश के लिए खेले, अपने लिए खेले, अच्छी बात है। आपका इंडिया कहाँ है, वेयर आर यू? आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडियन टीम में? मेरा इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर डेफिनेटली विराट है, हु इज द बेस्ट, या इज गुड मैन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। माता मंदिर कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। सीनियर सिटीजन जो अपनी प्रॉपर्टी होती है बच्चे बड़े होते हैं उनके नाम पे कर देते हैं, तो इसलिए अमेरिका में लंदन में अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, जब प्रॉपर्टी एक बार हाथ से चली जाती है तो सीनियर सिटीजनों को कोई पूछता नहीं है, तो जब तक आपका एंड ना हो तब तक अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें। और उनके बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में पूंजी जो है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बड़े हैं, पैसे लो, तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और उनको वैल्यू दो, बिकॉज आज आप अपने सीनियर सिटीजन मतलब अपने माँ बाप को या उनके साथ आप बुरा व्यवहार करोगे, एक दिन आप तो सीनियर सिटीजन बनोगे ना, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। सो आई लव माई पेरेंट्स और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे देश की बहू हो वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करें। आइए 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 सर। और मैडम के साथ मेरी दोस्ती कम से कम 15-20 साल से है, और आज भी मैडम के ऑडियंस बोल और मुंबई में बर्थडे के लगे जो ब्राइट कलर है वो बर्थडे में स्किल के स्पेशल आया, और ये भोजपुरी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है भोजपुरी। तो आगे किस तरह की बॉन्डिंग रही है आप दोनों की? अगर मेरे तो बहुत सालों से दोस्ती है, और उनकी जो भी फिल्म आती है उसको मैं प्रमोट करता हूँ, या वो जो भी बिजनेस करते हैं उसकी पब्लिसिटी का ब्राइट के पास है। ओके सर, थैंक यू। संगीता जी सबसे पहले पाकी का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप पाकी जी को आज के स्पेशल मौके पर? पाकी जी को इस स्पेशल मौके यानी उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं, आने वाला दिन उनकी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार दिन हो, जो देश शांति है और मैंने से उनकी सारी मुरादें पूरी हो, और क्या कहूँगी, आप सबका आशीर्वाद मिले। आप दोनों ने मतलब बहुत सारी फिल्में की हैं भोजपुरी में, कैसी बॉन्डिंग रही है आप लोगों की, अगर कुछ बताएं दोस्ती किस तरह की रही है, और पहली अगर कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे मिले थे आप लोग, अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं? वैसे तो हम लोग काफ़ी पार्टीज वगैरह मिलते रहते हैं और काम भी बहुत किया है, जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं फिल्म रामपुर के लक्ष्मण कर रही थी, तो पार्टी जी से मुलाकात हुई थी और काफ़ी सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स भी दिए थे मुझे, और जो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ज़िंदगी में, हर फिल्म में कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे टिप्स दिया है, तो मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, और एक अच्छी वेल विशर एंड सिस्टर, मोस्ट ऑफ सिस्टर की तरफ। थैंक यू सो मच। जस्ट सेकंड। ओके, पाकी जी का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? पाकी जी को मैं शुभकामनाएं आज के दिन यही बोलती हूँ, उनका जन्मदिन है तो जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई हो, विश यू मैं तो मेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पाकी जी। और पाकी जी का मेरा रिलेशन बहुत पुराना है, क्योंकि हमने 7 सहेलियाँ फिल्म में साथ काम किया, तो 7 हीरोइंस थी, लेकिन 7 के साथ मेरी तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ इस इंडस्ट्री में, लेकिन पाकी जी से वहाँ मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छी है, नेचर से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दिल की है वो, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी सीनियर की मान जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाते हैं, उनका मुझे लगता है
इंडस्ट्री में जितनी भी हीरोइन सबको सबसे बहुत अच्छा टाइम है, तो ऐसे ही आप हमेशा ऐसे ही रहे और जो आपके मन में जितनी भी है वो सब आप मतलब आप बहुत आगे बढ़े, जितनी भी आपकी विशेष है वो सब गॉड फुलफिल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिन है क्या कहना चाहेंगे, कैसी बॉन्डिंग रही है पाकी के साथ और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चाहते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा सलाम बा। और आज हम लोग बहुत ही हमारी इंडस्ट्री की जो लीजेंडरी एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत बहुत ही कमाल की टैलेंटेड द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल द मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन और मेरी बहुत ही करीबी बहुत ही चाहती ताकि हेगड़े जी का जन्मदिन है आज, तो उनके इस शुभ दिन पर उनके इस बड़े दिन पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लोग नामी लोग जैसा कि मैं आया हूँ जैसा मेरे साथ साथ और भी लोग आए हैं, काफ़ी खुशी की बात है अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सब बहाने पार्टी से फंक्शन जो भी चीज़ें होती है सब बहाने होते हैं, हम सभी परिवार जो हमारा सिनेमा परिवार इंडस्ट्री परिवार ये सब एक साथ होता है सबको मिलने का, क्योंकि सब अपने अपने काम में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, तो ये एक मौका होता है सबको एकजुट होने का सबसे मिलने का और काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं अपने सिनेमा परिवार से काफ़ी दिन के बाद जब मुलाकात होती बहुत खुशी और तहे दिल से हमारी बाकी जी को हमारी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत सबसे अजीज़ और सबसे प्रीशियस बाकी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, द हैप्पीएस्ट बर्थडे टू हर। और ऊपर वाला उन्हें मैंने पूछ भी किया था कि ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र से बचे, वो ऐसे ही हमेशा अपनी खूबसूरती का चलना हमेशा लिखे रहे। अच्छा उनके उनके साथ पार्टी करने का क्या प्लानिंग है आज और आप कितना पार्टी करना पसंद करते? मैं तो चूँकि सबसे जवान लड़का मैं ही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री का द मोस्ट यंग बॉय ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा पार्टी सबसे ज़्यादा धमाल मैं ही करता हूँ और मैं खुद तो करता ही हूँ, साथ में जो हमारे जो कुछ लोग थक भी गए तो उनको उठा उठा के नचाता हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, ये जन्म से अधिकार है मेरा कि भोजपुरी में जो लोग थोड़े ठंडे हो जाए उनको उठा के फिर से गर्म करता हूँ, तो जितने भी लोग हैं सबको आज बहुत नचाने वाला हूँ बहुत धमाल करने वाला हूँ। जैसा कि बाकी जी खुद भी बहुत चुटकुली हैं नटखटी हैं तो हम दोनों का हमेशा से ट्यूनिंग रहा है, तो वो ट्यूनिंग आज फिर से पार्टीज में दिखने वाला है, सबको नचाने वाले बहुत धमाल करने वाले और पता नहीं क्या क्या। आने वाले समय में आप दिखाई देंगे कोई फिल्म में? अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसके प्रोड्यूसर श्री प्रदीप सिंह जी हैं और डायरेक्टर श्री मंजू ठाकुर जी, उनकी एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही कमाल की फिल्म जिस फिल्म का नाम है विवाह, उस फिल्म की शूटिंग हमने पूरी की है, उसमें बहुत ही खूबसूरती सा कमाल सा तड़कता फड़कता स्पेशल सॉन्ग मैंने और पाकि जी ने किया है, वो कमाल के फिल्म बनी है कमाल का गाना पिक्चराइज हुआ है और ये वो वैसी फिल्म है जो हम अर्बन सिनेमा की जो हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं भोजपुरी में कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्म देखें स्टैंडर्ड फिल्म देखें जो हम कहीं पर भी अपने पूरे परिवार के साथ किसी को भी हम दिखा सकते हैं, भारत के किसी भी इंसान को हम खड़ा करके वो फिल्म दिखा सकते हैं, वो ऐसी फिल्म है जिसमें अश्लीलता ऐसा नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, पूरी तरह से वो फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है जैसा कि नाम से पता चल रहा है विवाह। विवाह राजश्री की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, जब भी टीवी पर आता है तो हम लोग रिमोट से छोड़ देते हैं वहाँ पर देखने लगते हैं, उसी तरीके का ये फिल्म हमने बनाई है, उससे भी खूबसूरत वैसे बिल्कुल नहीं है, उससे पूरे तरीके से अलग कहानी है नई कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है, तो आप सबसे निवेदन है कि जब भी विवाह है तो आप लोग नज़दीकी सिनेमाघर में जाइए और देखिए उस फिल्म में मेरा और पाकि जी का एक अलग रोमांस और इतनी बातों के बाद मैं मेरे फ़ायदे की बात करूँ 21 जून को मेरी बहुत ही खूबसूरत कमाल और बहुत ही बड़ी फिल्म नायक रिलीज़ हो रही है, तो आप सब लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएँ अपने पूरे परिवार के साथ पूरे दोस्त यार के साथ 21 जून के नायक फिल्म देखे खातिर जिसमें हम पावनी एक नई अदाकारा और साथ साथ बाहुबली में जॉन विलन रनक काली के प्रभाकर वो विलन उसमें मेरे साथ एक खतरनाक टकराव में दिखाई देंगे, तो बिल्कुल मत भूलिएगा 21 जून आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में नायक देखने जरूर जाइएगा एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू पाकि जी, लव यू। थैंक यू सो मच। चिंटू भी पाकि जी का जन्मदिन है, कैसी बॉन्डिंग रही है और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनको जन्मदिन? मैं काफ़ी पुराने दोस्त हैं इसलिए मैं आया हूँ और बस उनको ये कहना चाहूँगा कि ये साल उनके लिए हमें भी भरा रहे खुशियों भरा रहे एंड व्हाट एवर शी इज डन सो फार शुड कम टू दिस ईयर। सर कैसी बॉन्डिंग रही है आप लोगों के? वेरी नाइस मुझे पाकि और मैं आई थिंक बिल्कुल बर्थडे पे लास्ट टाइम मिले थे मेरे बर्थडे पे शरान वी हैड अ ग्रेट फन and again I just saw him, I was expecting him that people must be around aur bhai sahab kehte na think about god is here any devil chalega lekin baki isse meri dosti bahut purani bahut shuruaati dino ki dosti hai aur isliye hum sab log koshish karte hain ki aise important dino par kam se kam aaye aur shubhkamnaen de happy birthday bolo ji ji
उस प्रोग्राम में क्या करते हैं सर आप सीनियर सिटीजन के लिए क्या मैसेज आपके वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि जैसी करनी वैसी करनी, अगर माँ बाप जो है वो अपना जन्मदिन है मेरी तरफ से ये सारी शुभकामना पार्टी पार्टी ने तो दिन भर मेरे साथ 10-12 फिल्में की हैं और पार्टी में बहुत सुंदर और बहुत अच्छे मेरी यही शुभकामना है कि ये जन्मदिन जो है वो बहुत बार मिलता रहे बहुत सारी फिल्मों में मैं तो चाहता हूँ दोबारा उनका कम बैक बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए मैंने बीच में फिल्में करना कम कर दिया था अभी उन्होंने विवाह में एक गाना किया है बहुत स्पेशल सॉन्ग किया है प्रोड्यूसर के बहुत कहने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि उनका जो जर्नी है सिनेमा में और जो काम अच्छा करते रहिए कंटिन्यू रहे और बाकी खुश रहो मस्ती करो स्वस्थ रहो आपको जन्मदिन कौन है बहुत बहुत शुभकामनाएं वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड ओके कैसी बॉन्डिंग रही है पाकी के साथ अगर ही इज वेरी कोई मेमोरी बहुत ही ग्राउंडेड है जितना भी एक लेजेंड लेवल पे है फिर भी शी इज वेरी ग्राउंडेड एंड शी इज वेरी हम्बल ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड ओके एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस राइट नाउ नथिंग विल बी रिक्रिएटिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स सो बहुत सारे गाने रिक्रिएट हो रहे हैं आपने भी एक गाना रिक्रिएट किया था रिसेंटली उसके ऊपर काफ़ी अच्छे हिट्स भी मिले थे तो क्या ऐसे ही सॉन्ग आप रिक्रिएट करने वाले हैं कुछ वैसे ही करेंगे जैसे अभी मेरा दिन भी कितना पागल है किया 26 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहा है समथिंग लाइक दैट ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट यहां पे जी का जन्मदिन है क्या शुभकामनाएं होने वाली है आपकी तरफ से हैप्पी बर्थडे पाकी मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मैं तो 7 साल पहले मैंने एक पंजाबी की फ़िल्म देखी थी उद्देश्य तो मैं तो उस टाइम से उनको ढूंढ रहा था थोड़े दिन पहले मैंने CCL में जब किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने उनकी पूरी डिटेल जो है मेरे पास थी तो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न पंजाबी भोजपुरी कैसे हुआ मिलन पंजाब क्योंकि वो भोजपुरी की स्टार हैं तो मैं एक जो बहुत कल्ट फिल्म थी कुदेशन जो है मुझे उनके डायरेक्टर ने दिखाई थी कि अरे उनको पूछे ये कौन पूरी एक्टर बहुत अच्छी एक्टर है कौन है उन्होंने बोला कि ये भोजपुरी की लड़की है पर मैं मेक नोट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी पंजाबी का एक्सेंट भी उनका एक्टर तो एक्टर होते हैं कोई भी लैंग्वेज हो फील तो फील बोल के कहंदी जान कट लैंदी ओए इक कुड़ी कुड़ी ओ कुड़ी 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 ओ कुड़ी कुड़ी मैं तो कहता हूँ कि उनको उनकी इज्जत करनी चाहिए मतलब हमारी परंपरा है कि माँ बाप जो है या जो सीनियर लोग हैं आपके उनको उनकी रिस्पेक्ट करने की उनकी इज्जत करने की जो हमारी परंपरा है उसको बरकरार रखना चाहिए और सीनियर सिटीजन जो है उनको बच्चों को छोटे लोगों को गाइड करना चाहिए और प्यार करना चाहिए थैंक यू सो मच हमने एक्चुअली स्टार्ट किया उनको घर पर सरप्राइज़ करके गिफ्ट एंड वॉट एवर फेवरेट थिंग्स आर हमने ट्राई किया कि हम उतना करें उनके लिए बिकॉज वो काफ़ी बिजी रहती है उनको घर पे टाइम नहीं दे नहीं पाते वो तो हमें लगा कि हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं आज आप लोग के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे सो वेरी हैप्पी घर पे कैसी है पाकी जी थोड़ा सा उनके फैंस को बताइए कि कैसे रहना पसंद करती है पाकी जी उन्हें खाना बहुत पसंद है तो आप चटपटा खाना बनाओ मिर्च मसाला वाला खाना बनाओ कि जिम ट्रेनर थक जाते हैं उनको बोल के खाना अच्छे से खाओ पाकी जी पर पाकी जी नहीं सुनते हैं बाकी को चटपटा खाना पसंद है तो घर पे वो यही चलता है घर पे सबसे ज़्यादा आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई डाइट एंड आई मेंटेन वेरी वेल एंड आपको मैंने पूछा था बेस्ट गिफ्ट क्या था तो शी
earned out of her money. She gifted me for the first time a gold chain, which was a very beautiful gift. मेरे लिए बहुत precious है क्योंकि ये इसकी पहली कमाई से उसने मेरे लिए ख़रीदा है. तो she is a blogger and she is doing really great right now on blogging. So I really wish her all the best and very soon you'll hear that she is doing movies. Okay. So we're looking forward to some good projects for her. टिकटॉक पे जिस तरह का प्यार दिया है आप कितना प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पे? हैप्पी बर्थडे. कंगना जी कंगना जी कंगना जी फोटो पिक्चर सो पाकी मैम आपसे जानना चाहूँगा आशना को जिस तरह का प्यार मिला है टिकटॉक की बात करें और जिस तरह की वो ब्लॉगिंग करती है उनके फैंस हैं इतने सारे कितना प्राउड फील करती है इस चीज़ पर. व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट हर करियर के शी वांट्स टू स्टार्ट विद एक्टिंग एज अ करियर मैं उतना सीरियस नहीं थी बिकॉज मुझे लगा कि हर एक का वो ड्रीम होता है. सो आई सेड अगर 100 फैंस भी आप जमा कर सकते हो तो उसके बाद में मैं कहूँगी कि आप एक्टिंग करने लायक हो तो वो आप अर्न कर लो. और इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम ट्राई करो. और आई वाज सरप्राइज्ड दैट यंगस्टर्स में वो काफ़ी नोन है और उसको अच्छे फॉलोइंग है. इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है आज बिकॉज हम लोग सोशल साइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते एंड दे रियली मेक इट वेरी ऑन स्क्रीन ऑन सोशल मीडिया. In 1 month's time, she's almost crossed 115K. So that is great achievement, I feel. So looking forward to good projects for her. Ashna, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो इतना प्यार दिया है आपको? और I think मैंने actually इतना expect नहीं किया था जितना मुझे मिला है and from the bottom of my heart very grateful for everything I have so far. क्योंकि फैंस आपके प्रोजेक्ट्स का भी वेट कर रहे हैं तो जैसे पाकी मैम ने कहा कि बहुत जल्दी फिल्मों में आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क ऑन समथिंग. अभी फिलहाल शी वाज अप्रोच्ड बाय वन ऑफ द फिल्म्स राइट नाउ. द टॉक्स वर ऑन. मंदाकिनी सन वाज गेटिंग लॉन्च विद देवानंद जी ग्रैंडसन बट समहाउ शी डिडंट लाइक द थॉट द लाइन ऑफ द स्टोरी. सो शी सेड नो टू दैट पर्टिकुलर फिल्म बट वी आर रियली लुकिंग एट गुड प्रोजेक्ट. अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आई थिंक 100% to be in it, you know, is very important. So for me, the subject and everything matters a lot. So yeah, hopefully something comes. Thank you so thank much. You so thank much. You so much. पार्टी को जन्मदिन की दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा. और शुभकामनाएं हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. वो हमारी शुरुआती दौर से शायद सबसे अच्छी को एक्ट्रेस रही. हम लोगों ने बहुत फिल्में साथ में किया था और हम लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं. बाकी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सफल रहें, कुशल रहें. लव यू सो मच पार्टी. हैप्पी बर्थडे. अच्छा कैसी बॉन्डिंग रही है पाकी के साथ? ऐसी कोई खास मेमोरी है जो आप वो पहली अभिनेत्री जिनके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी? हम लोगों ने मैंने बोला ना कई फिल्में साथ में किया है. हम उनको प्यार से माते भी बुलाते हैं और हम लोगों के बीच में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री, शायद ऐसी केमिस्ट्री मेरी अभी तक किसी हीरोइन के साथ रही नहीं है. तो पाकी जी इसमें सबसे स्पेशल है और मैं भी स्पेशल हुआ यहाँ पे आया हूँ. अच्छा आने वाले समय में पाकी के साथ कोई फिल्म में नजर आने वाले आप लोग? बहुत रिसेंटली मैं पाकी के लिए मैंने विलेन छोड़ के अब चरित्र अभिनेता का रोल करने लगा हूँ. तो मेरे मुझे पाकी जी बहुत जल्दी दिखने वाली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार में. जल्दी बोले तो शायद एक आध दो महीने. थैंक यू लव यू पाकी. सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकी जी हमारी इंडस्ट्री की सबसे कमाल की अदाकारा है और उनको जहाँ हादिश हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त. थैंक यू ये देवेंद्र ही अच्छा बोल. आज जो है पाकी का जन्मदिन है, क्या विशेष है? जितने भी वर्ड्स बोलूँ उतने ही कम पाकी. शी इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी स्वीट. सो
आई विश हर गुड लक मनी फेम एंड लव ऑल टुगेदर. तो कैसी बॉन्डिंग रही है पाकी के साथ, कुछ शेयर करना चाहिए, कोई खास मेमोरी है पाकी के साथ? यस, पाकी के साथ जब भी हम लोग पार्टी करते हैं या फिर जब भी हम लोग मिलते हैं, सो इट्स ऑलवेज फन टू बी विद हर एंड स्पेशली शी इज़ अ वेरी As we know, you sing very well. Any songs you would like to dedicate to Yes, my favorite song. Yeah, any song. Okay. विश करना चाहेंगे, आज उनका जन्मदिन है, कैसी मेमोरीज रही है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी फर्स्ट फिल्म में मैंने पार्टी के साथ काम किया, तो डेफिनेटली मेरी बहुत लंबी जर्नी उनके साथ, इट्स बीन लाइक टू मेनी इयर्स विद हर. और मेरे उनके बर्थडे पे एक विषय की वो इतनी अच्छी से उतने सालों से उतनी सुंदर है, बस इतने सुंदर आगे दिखती रहे. शी इज़ वेरी हम्बल, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब लव नहीं है उनको बयान करने के, बट बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग है उनका, हाँ बहुत अच्छा सोल है उनका. तो बस जैसी वो है वैसे ही रहने का उनको मैं विश करती हूँ, और भगवान उनको बहुत बहुत खुशियाँ दें, उनके परिवार में सब खुशी हो, उनके पीस हो, बस और क्या. मैं तो उनको यही विश करना चाहती हूँ, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और वो बहुत अच्छी सोल है, मतलब बहुत प्यारी है, वो इतनी केयरिंग भी है. मैंने उनके साथ PIPL किया था, एकदम हाँ शी इज़ ऑसम, मतलब किड की तरह रहती है, उनको बस इतने बोलना चाहते हो. अनारा जी, आपने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में की है, तो कैसी बॉन्डिंग रही है उनके साथ? जैसे मैंने बोला कोई खास फर्स्ट फिल्म जब मैंने की थी भोजपुरी, तो वो उसमें थे, और आई वाज वेरी मच लाइक पहली फिल्म जो थी तब कैसे बहुत छूट होती है, तो वो आए उन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि लैंग्वेज मेरे लिए बहुत नई थी, मुझे इस लैंग्वेज का पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से, और वो बहुत फ्रेंडली, हाँ सपोर्टिव है, फ्रेंडली, और वो आपको बहुत चिल रखती है हर हर टाइम, चाहे वो पार्टी मोड में हो, चाहे वो वर्किंग मोड में हो, शी इज़ अ सीनियर, वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा है, मतलब अलग बॉन्ड है, मैं वो मुझे बहुत मानते हैं, उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और शायद यही चीज़ है कि इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, एम स्टिल वी आर टुगेदर. उनका मैसेज आया कि मेरा बर्थडे है, तो आई वॉज मैं कल ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि डेफिनेटली आपका बर्थडे, आई डोंट वांट टू मिस. और ऐसे ही हमेशा जैसे खूबसूरती बिखरती है, बिखरती रहें,
और दिन दोनों रात चौदह तरक्की करें और बेस्ट होगा। कैसी बॉन्डिंग रही है आप लोगों की, अगर कोई मेमोरी शेयर करना चाहे पार्टी के साथ? बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं, मैंने सब फिल्म करी है। टैलेंट का क्या बताना है, हमारी शुरुआत हुई थी उनके साथ, उनकी पहली फिल्म थी, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर था, फर्स्ट फिल्म उन्होंने साथ में किया था, उनकी भी फर्स्ट फिल्म थी, मेरी भी फर्स्ट फिल्म थी हमारी शाह, और वहीं से हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती हुई और आज तक है। उनका भोजपुरी में पहला कदम था, हमारा भी पहला कदम था, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, एज ए एक्ट्रेस, बहुत ही शानदार और बहुत 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 काम करें, बहुत 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 अच्छे। जन्मदिन है आज, कितने मतलब किस तरह की बॉन्डिंग रही है और क्या शुभकामनाएं हैं? विजन बाकी से शुरू से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और बहुत सालों से आई थिंक निरहुआ रिक्शा वाला जो मेरी फिल्म का बहुत बड़ा है हिट सॉन्ग था, बाकी की शुरुआती फिल्म से कुछ फिल्म में से वो एक थी, तो तब से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है और वो बॉन्डिंग कभी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब वेदर वी हैव वर्क टुगेदर और नॉट, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कोई बाकी एक लड़कियों में मैं जिसको रियल स्टार मानती हूँ, दैट इज़ भारती हेगड़े। इसके अलावा कोई खास मेमोरी है उनके साथ जो आज के स्पेशल मौके पे अगर आप शेयर करना आप मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मैं एक डांस रियलिटी शो कर रहा था, डांस अवर, और उसमें मैंने पहली बार पाकिस्तान में देखा था, उसमें गेस्ट जज आई थी और मुझे विश्वास नहीं होगा कोई हीरोइन इतनी भी खूबसूरत हो सकती है, बाकी जी को देखती है, आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात आई थी और मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनको देख के कि मुझे लगा कि इनके साथ अगर दोस्ती हो सके कुछ हो सके, और फिर आगे जाके संभावना के थ्रू मैं बाकी जी से मिला, फिर पता चला वो जितनी खूबसूरत अदाकारा है, जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी अंदर से भी है। सो बेसिकली शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट, और मेरी मेमोरीज बाकी के साथ एक आध नहीं है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, हम लोगों ने इतने शोज साथ में किए हैं, इतने रियलिटी शो साथ में हम लोगों ने किए हैं, इतनी फिल्म साथ में करी है, ऑन एंड ऑफ स्क्रीन में ये कह सकती हूँ कि बाकी कुछ इंडस्ट्री में से बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैं हमेशा, मेरी एक बहुत खास तौर से बॉन्डिंग गई है, दैट इज़ पाकी हेगड़े फॉर, जैसे एक रिंकू घोष है जो आप फिल्मों में काम नहीं कर रही है लेकिन उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, वैसे ही पाकी चाहे वो फिल्मों में काम करें नहीं करें, बाद में करें, अभी करें तभी करें, वो हमेशा मेरी दोस्त रहे, ऐसा है पाकी के साथ। एंड बाकी शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ये नहीं है कि आपकी सूरत अच्छी है, उसकी सीरत भी बहुत अच्छी है, वो चाहे आपसे 2 दिन बाद मिले या फिर 2 साल के बाद मिले, वो वैसे ही उसी एनर्जी से मिले, और आई थिंक बाकी की ये मुझे समझ नहीं आता कि एज उसकी कहाँ रुक गई है, वो बढ़ती नहीं आगे, वो जितनी खूबसूरत आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले थी उतनी खूबसूरत आज भी है, सो आई थिंक ये दैट्स अ वेरी समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उन्हें भी मिल गया थोड़ा सा। बाकी की खूबसूरती को बाकी मैं कह सकती हूँ कि उसको टक्कर देना भी बहुत मुश्किल है, जो उसने अपने को मेंटेन कर रखा है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आप दोनों फिल्म में दिखे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ऑडियंस का? देखिए हम तो दिखना चाहते हैं, बिल्कुल दिखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए कोई होना चाहिए जो कि दोनों को एक साथ फिल्म में दिखाए, हम लोग ऐसे दिख जाए काफ़ी है, फिल्म में दिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी हमारी बॉडी ऐसे दिख जाती है लोगों को। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी, एंड उनकी जो बेटी है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड लकीली आई एम हेयर इन मुंबई, सो आई एम हेयर वेरी हैप्पी क्रिशिंग हर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। टेल अस अबाउट योर फर्स्ट मीटिंग विद पाकी, पर्टिकुलर मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? या मतलब उनके जब भी घर जाते हैं तो शी इज देयर, एंड जब उनसे फर्स्ट टाइम मिला था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब खाना डिनर उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया था, वाज वेरी स्वीट, शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो, सो या फर्स्ट मीटिंग उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अच्छा टिकटॉक पे जिस तरह का प्यार मिला है ऑडियंस से, क्या कितनी खुशी होती है, कितना प्राउड फील? वेरी लकी, वेरी लकी, जो सब मेरे साथ भी अंदर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खुश होते हैं इन चीज़ों से, कि जहाँ भी जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, एंड जितने एक्सपेक्टेशन से
ज़्यादा ही हमें प्यार मिलता जा रहा है। अच्छा, जब फर्स्ट वीडियो आपने टिकटॉक पे किया था तो क्या ऐसा सोचा था कि वेरी रैंडम हमने सबने ऐसे स्टार्ट किया था कि घर में फ्री थे, कुछ और था नहीं, एंड ये ऐप न्यू आई थी तो जस्ट स्टार्टेड, एंड या नाउ इट्स अ वेरी बिग थिंग। टिकटॉक इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया राइट नाउ, सो या वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। एनी प्लान्स टू कम इन द फिल्म म्यूजिक वीडियोस? या म्यूजिक वीडियोस अभी 2-3 महीने में एक दो आ रही है बहुत ही अच्छे वाली, उसके बाद लेट्स सी, अभी डिग्री खत्म हुई है तो वेरी फ्री, सो विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.